बात आ गई थी, हाथापाई बची हुई थी। आइए डिबेट को आगे लेके जाते हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। सब जानते हैं नहीं नहीं तो आप कांग्रेस की सपोर्टर हैं, आप कांग्रेस की सपोर्टर हैं, फिर इस तरह से अगर आप लेबलिंग कीजिएगा तो आपको भी लगा दिया जाएगा। सपोर्टर तक ही सीमित मत रखिएगा। आप सपोर्टर से भी ज्यादा हैं, लेकिन वो लेबल इधर उधर फेंकने आप फेंक सकती हैं। लेकिन यहाँ पे एक दलित की हत्या हुई है, अगर आप अपने आप को दलित के लिए कुछ करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ नहीं करना चाहती, क्योंकि 370 के आप एब्रोगेशन के अगेंस्ट थी, तो आप दलित आपको क्या पता मैं क्या थी, आप नहीं थी, फोर्थ थी। अरे यार आप लोग मुसलमान को पकड़ के जो सवाल प्ले करना बहुत आसान है, जानते हैं। लेकिन लोकसभा के चुनाव खत्म हुए, उस चुनाव में जब समाजवादी पार्टी को सीटें आई, तब भी अखिलेश यादव उसके पहले यही कह रहे थे कि मुसलमानों को वोट नहीं दिया, देने दिया जा रहा है, तब कैसे सीटें आ गई थी? लेकिन आप ये समझते नहीं हैं सुशांत जी, आप यूपी के रहने वाले कि कमजोर तबकों को बहुत दलितों को नहीं दिए कई जगह। एक मिनट सभा जी एक मिनट, वो क्लिप शुरू से चलाइए जरा, मुसलमान कटहरी के खुद बता रहे हैं कि क्या है वहां पर। जब इतनी फोर्स नहीं, आप देखिए ना, कौन निकलेगा? तो एक बार शाही का निशान दिखा दीजिए, शाही का निशान है, क्या नाम है आपका? वाजिद अली। वाजिद जी, ये आपके आप देखना भी नहीं चाहती हैं, एक बार रिपोर्ट तो देख लीजिए। आपको शिकायत की आप मोबाइल देख रही हैं, वोट डालने में दिक्कत आ रही है, प्रशासन जाने नहीं दे रहा, इसमें आप लोग को क्या आपको कहना है, ऐसी कोई दिक्कत है? मैं तो गया तो डाल कर आ गया। ये बताइए क्या नाम है सर आपका? फायम अली। ये बताइए क्या प्रशासन द्वारा वोट डालने से आपको रोका जा रहा है, ऐसी कोई दिक्कत आ रही है? नहीं सभा जी, मैं कह रहा हूँ आप हमको कह लीजिए, आप आनंद जी को, ये मुसलमान वहाँ खड़े होकर कह रहे हैं कि हम वोट दे कर आए, हमको किसी ने नहीं रोका, वो किसके हैं? आप समझिए कि नहीं, तो आप बोल रहे हैं कि झूठ है जो इमेजेस आई। अरे भाई जो मेरे कैमरा बता रहा हूँ, पूरा कुंडर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो पूरा कुंडर की तो वो भी नहीं है जो आप बता रही हैं। सुशांत जी, आपने आपने जो आप जो समझते नहीं कि यू कांट, कैन आई फिनिश, यू कांट वेक अ पर्सन, आई एम टॉकिंग अबाउट वोटर सप्रेशन। रैटल मत होइए, आपने अभी कहा आप कंडेम नहीं करेंगे, मेरी बात दलित के अगेंस्ट अत्याचार को कंडेम नहीं करेंगे। आज ये जय भीम का सारा जो फर्जी मामला सारा सामने आ गया, देखिए ये सारा प्रोपेगेंडा जो चल रहा है पिछले 10 साल से, आज एक दलित की हत्या हुई है उसको कंडेम करने को तैयार नहीं है, वो कह रही है मैंने बीजेपी को वोट किया इसलिए उसकी हत्या कर दी, उसके माँ बाप की कोई बात नहीं कर सकती हूँ कि मुझे ये एक सेकंड देखिए, बहुत जघन्य है, इसको बकवास कह रही हैं आप, दलित की हत्या हुई है ये बकवास हो गया, आपका तो सारा प्रोपेगेंडा बाहर आ गया। तो एक सेकंड, इतना रैटल मत होइए, इतना घबराइए हमें सिखा रहे हैं, चलिए चलिए घबराइए मत। देखिए आपकी सरकार अगर नहीं जीत रही है तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आप सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, दलित आप सुन लीजिए, एक मिनट देखिए, कैन आई फिनिश? यहाँ पे भी आप अपना डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप करती रहेंगी। बात है वोट, ये चुनाव हो रहा है, वोटर सेपरेशन की बात हो रही है। आप फराज भाई बोलिए, आप लोग देखिए अभी 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 इन्होंने क्या कहा, क्या हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं भाई, क्या हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं आप भाई? वो कह रहे हैं, एक पिता कह रहा है, एजेंडा है आपका सभा जी, एक पिता कह रहा है कि मेरी बेटी इसलिए मार दी गई क्योंकि मैंने बीजेपी को वोट देने के लिए कहा था। आप कह रही है कि वो बीजेपी से पूछिए जाके, उसको बकवास कहा जाए, क्या ही बोलूं मैं। हाँ। देखिए आप लोग यूनाइटेड हैं, खत्म हो चुका है, चाहते कश्मीर का, उनका प्रोपेगेंडा सामने आ चुका है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं। मुस्लिम सभा जी दूसरे को लेबल कर रहे हैं बीजेपी का है, मैंने किसी ने नहीं कहा कि कांग्रेस के भी गाँव है, या थैंक गॉड फॉर दैट। नहीं नहीं सभा जी, जर्नलिस्ट नहीं हूँ ना मैं, कम से कम सभा जी देखिए बात सुनिए, एक दूसरे को लेबल, मैंने ये नहीं कहा यू आर, आपने आप लिया। अच्छा एक मिनट, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट, ओके एक मिनट, एक मिनट मैं ये कह रहा हूँ सभा जी मैं ये कह रहा हूँ लेबल मत डालिए सभा जी, मैं सुनिए तो मैं खत्म होने की जरूरत नहीं, अगर आप जा सके तो जा सकती हैं, सभा जी रोक नहीं रहा मैंने, अरे रुकिए भाई, इतना नाराज मत हो, अरे भाई क्या हिंदू मुस्लिम। अगर दोस्तों आपको डिबेट अच्छी लगी हो और चैनल पे पहली बार आए तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए वीडियो।